अब हम जब आवेश के बारे में पढ़ते हैं किसी भी अणु में या किसी भी आयनिक यौगिक में जो आयन्स हैं उन आयनों के विभक्त होने से जितने भी आयन बने उन आयनों पर कितने आवेश हैं उन्हें हम कैसे अलग अलग आवेशित परमाणु के रूप में दर्शा सकते हैं, तो इसे ही हम मूलक के रूप में समझेंगे। तो मूलक या रेडिकल किसे कहते हैं, तो जितने भी आवेशित परमाणु हैं या आवेशित परमाणु जो है साथ ही साथ पूरे जितने भी हम आयनिक यौगिक देखते हैं उसमें जब आयोनाइज होते हैं अलग अलग आयन्स तो परमाणुओं के आवेशित समूह, तो यहाँ हम दो तरह से इसको कह सकते हैं, आवेशित परमाणु या फिर आवेशित परमाणु भी हो सकता है या फिर परमाणुओं के आवेशित जो समूह हैं उसे भी हम क्या कहेंगे, मूलक। तो जैसा कि हमने देखा Na प्लस है, K प्लस है, Ca2 प्लस है, तो ये एक एक तत्व के आयन्स हुए, तो ये एक अलग मूलक हो गए। यदि हम सल्फेट आयन की बात करते हैं तो SO4 2 माइनस, कार्बोनेट आयन की बात करते हैं तो CO3 2 माइनस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो परमाणुओं का समूह है या परमाणुओं का आवेशित समूह हो गया, क्योंकि इसमें सल्फर का, यदि हम सल्फेट लें तो सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं और वो दो माइनस चार्ज लगा है ऊपर। कार्बोनेट लेते हैं तो एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन है जिसमें भी दो माइनस चार्ज लगा है, तो ये भी परमाणुओं का आवेशित समूह हो गया। तो इस तरह जो मूलक है वे सरल आयनों से भी बन सकते हैं और जटिल आयनों के भी हो सकते हैं। जटिल आयन का अर्थ है कि जिसमें एक ही तत्व ना होकर एक से अधिक तत्व के परमाणु भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मूलक जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, धनावेशित मूलक और ऋणावेशित मूलक। तो प्रायः देखा गया है कि जो धनावेशित मूलक हैं वे क्षार से प्राप्त होते हैं, तो जब ये क्षार से प्राप्त होते हैं तो इन मूलकों को नाम दिया जाता है क्षारीय मूलक। दूसरी ओर यदि हम ऋण आवेश देखते हैं यानी जितने भी ऋण आवेश हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वे अम्ल से प्राप्त होते हैं। तो जितने भी ऋण आयन हैं वे हमें अम्ल से प्राप्त होते हैं और उसे अम्लीय मूलक कहा जाता है। तो जितने भी अम्लीय मूलक होते हैं उनमें ऋणावेश होगा और जितने भी क्षारीय मूलक होते हैं उस पर धनावेश होता है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से मूलक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब लिखा जाता है तो NaOH, जब ये विभाजित होता है तो Na प्लस और OH माइनस है। Na प्लस और OH माइनस यानी सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मूलक है धन आवेशित जो मूलक है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, क्षार से प्राप्त हुआ, तो इसलिए Na प्लस जो है वो क्षारी मूलक होगा। दूसरा हम देख रहे हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक क्षार है। जब यह आयनीकृत होता है तो NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन धन OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में यह आयनाइज हो रहा है। तो अमोनियम आयन जो है चूंकि यह क्षार से प्राप्त हुआ तो यह हो जाएगा क्षारीय मूलक। CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब यह आयनीकृत होता है तो Ca2 प्लस प्लस OH माइनस, तो Ca2 प्लस कैल्शियम आयन है और OH माइनस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो कैल्शियम आयन जो है वो यहाँ क्षार से प्राप्त हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम आयन क्षार से प्राप्त हो रहा है यानी कैल्शियम 2 प्लस के रूप में यह एक मूलक हो गया यानी क्षारी मूलक हो गया। और चूंकि यहाँ पर 2OH माइनस है यानी हाइड्रोक्साइड आयन बना। जितने भी तीनों उदाहरण हमने देखा इसमें ये तीनों ही क्षार हैं NaOH, NH4OH, CaOH होल ट्वाइस, ये तीनों ही क्षार हैं और तीनों ही क्षार के आयनीकृत होने से जो धन आयन मिला है उसे हम क्षारी मूलक कहते हैं। तो इसमें क्षारी मूलक Na प्लस, NH4 प्लस और Ca2 प्लस होता है। जैसा कि हमने देखा अम्लीय मूलक हमें अम्ल से प्राप्त होते हैं, तो कुछ हम अम्लों के उदाहरण लेंगे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो HCl जब आयनीकृत होता है तो H प्लस और Cl माइनस में आयनीकृत हुआ, तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो जो Cl माइनस है वह यहाँ पर अम्लीय मूलक होगा जिसे हम क्लोराइड कहते हैं। HNO3 इसमें H प्लस है और NO3 माइनस है नाइट्रेट आयन, जो नाइट्रेट आयन है वो यहाँ पर अम्ल से प्राप्त हुआ जिसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं।
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जब आयनीकृत होगा तो 2H+ प्लस SO4 2- माइनस के रूप में हुआ। तो ये जो SO4 2- माइनस है, ये चूंकि अम्ल से प्राप्त हुआ तो ये सल्फेट आयन जो है वह अम्लीय मूलक होता है। तो जितने भी अम्लीय मूलक होते हैं प्रायः वे अम्ल से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण देखा अम्लों के आधार पर, तो जैसे HCl से जो अम्लीय मूलक प्राप्त हुआ Cl-, HNO3 से अम्लीय मूलक प्राप्त हुआ नाइट्रेट आयन NO3-, सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फेट आयन प्राप्त हुआ अम्लीय मूलक SO4 2-। यहाँ पर हमने मूलकों के बारे में समझा। जब हम अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को समझते हैं तो इनके ऊपर उपस्थित जो आवेश है वे भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन बहुपरमाणु आयनों का जो आवेश है उसे नहीं पहचानेंगे तब तक हम सूत्र नहीं बना पाएंगे। किस तरह से हम बहुपरमाणु आयन वाले यौगिकों का सूत्र लिखते हैं उसके लिए हमें विभिन्न जो एक संयोजी आयन, द्विसंयोजी आयन या बहुसंयोजी आयन है उनके ऊपर कितनी कितनी संयोजकता है, कितने कितने आवेश है, उसे हमें जानना बहुत आवश्यक है। अब हम बहुपरमाणुक आयन वाले जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक सूत्रों को कैसे या किस विधि से लिख सकते हैं इसे समझते हैं। तो जो भी बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक होते हैं, जितने भी यौगिक ये बहुपरमाणुक आयन्स बनाते हैं, उसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विधि दी जिसे क्रिस क्रॉस मेथड या आड़ा तिरछा पद्धति कहते हैं। और इस आड़ा तिरछा पद्धति के आधार पर हम उसकी संयोजकता को लेते हुए उसके सूत्र को आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रत्येक बहुपरमाणु आयन पर कितने आवेश हैं, कितने धनावेश हैं या कितने ऋणावेश हैं, उसे हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट का उदाहरण। तो इस पूरे क्रिस क्रॉस मेथड या आड़ा तिरछा पद्धति में ये बेसिक हमें समझना पड़ेगा कि प्रत्येक जो धनायन है या प्रत्येक जो ऋणायन है उस पर कितने आवेश हैं, कितनी संयोजकता है उसके ऊपर। तो यदि हम दो आयन्स बनाते हैं तो पहला आयन हमेशा धनायन होता है और दूसरा जो है वो ऋणायन होता है। तो धनायन पर जितने भी आवेश हैं वो ऋणायन के नीचे और ऋणायन पर जितने आवेश हैं वो धनायन के नीचे लिखे जाते हैं। तो इस आधार पर सूत्र को बना लिया जाता है। तो जब कभी भी, जैसे मान लीजिए यदि हम अमोनियम कार्बोनेट का ही उदाहरण लेकर चले, तो अमोनियम कार्बोनेट यानी अमोनियम का हमें सूत्र पता होना चाहिए। अमोनियम एक बहुपरमाणु आयन है NH4+। कार्बोनेट भी एक बहुपरमाणु आयन है CO3 2-। तो हम देख रहे हैं कि NH4 के ऊपर एक धन है और CO3 के ऊपर दो ऋण है। इसकी जो दो संयोजकता है उसे हम अमोनियम के नीचे लिखेंगे और अमोनियम की एक संयोजकता को हम CO3 के नीचे लिखते हैं। तो अमोनियम की संयोजकता यहाँ एक है और CO3 की संयोजकता दो है। जब हम इसे क्रिस क्रॉस मेथड यानी आड़ा तिरछा पद्धति से लिखते हैं तो अमोनियम का जो एक आवेश है उसे हम CO3 के नीचे लिखेंगे और CO3 का जो दो आवेश है उसे हम अमोनियम के नीचे लिखते हैं। तो चूंकि अमोनियम को NH4+ से दर्शा रहे हैं और इसके नीचे हम कार्बोनेट के आवेश को लिखते हैं तो NH4 2 लिखेंगे। CO3 के नीचे एक लिखना है तो उसे हम नहीं भी लिखेंगे तो यह प्रदर्शित होता है कि CO3 एक लिखा है, यानी CO3 के नीचे जो आवेश है वो अमोनियम का एक आवेश है। इसे हम नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें समझना है कि उसके नीचे एक आवेश है। तो अमोनियम NH4 2 और CO3, तो ये अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र होगा NH4 2 CO3। ऐसे ही हम अलग अलग जितने भी बहुपरमाणुक आयन से बनने वाले यौगिक हैं उसे समझेंगे। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं सोडियम नाइट्रेट की। तो सोडियम नाइट्रेट में हम देख रहे हैं Na+, यानी ये एक सरल आयन हो गया और नाइट्रेट NO3-, ये एक जटिल आयन यानी बहुपरमाणु आयन हो गया। तो NO3 के ऊपर एक माइनस, एक ऋणायन है, एक ऋणावेश है और Na के ऊपर एक धनावेश है। तो चूंकि दोनों में समान संख्या में आवेश है, एक धन और दूसरे में एक ऋण, तो इसका एक इसके नीचे और इसका एक इसके नीचे लिखेंगे, यानी सोडियम का एक नाइट्रेट के नीचे और नाइट्रेट का एक सोडियम के नीचे लिखते हैं तो NaNO3 बनता है। दूसरा हम देखते हैं MgOH2 कैसे बना, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे लिखेंगे।
तो मैग्नीशियम पर दो धन आवेश है और हाइड्रोक्साइड पर एक ऋणावेश होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पर। हाइड्रोक्साइड आयन एक बहुपरमाणुक आयन है, तो यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर दो प्लस है, इसको हम OH के नीचे लिखेंगे, और OH पर एक ऋण आवेश है, उसे हम मैग्नीशियम के नीचे लिखते हैं, तो MgOH होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम और OH होल ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं MgOH होल ट्वाइस। अगला हम लिखेंगे अमोनियम फॉस्फेट के लिए सूत्र। अमोनियम के लिए जो बहुपरमाणु आयन है NH4 प्लस, उसके ऊपर एक धनावेश है, और फॉस्फेट यानी PO4 के ऊपर तीन ऋणावेश है, तो यह भी एक बहुपरमाणु आयन से बनने वाले यौगिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अमोनियम एक धन और फॉस्फेट पे तीन ऋण, तो फॉस्फेट का जो तीन ऋण है या तीन जो संयोजकता है उसे हम अमोनियम के नीचे लिखेंगे, और अमोनियम की जो एक संयोजकता है हम फॉस्फेट के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका सूत्र होगा NH4 ब्रैकेट लगा के NH4 होल थ्री करेंगे, क्योंकि फॉस्फेट का तीन इसके नीचे आ गया, और चूंकि NH4 के ऊपर एक धन है तो इसको हम फॉस्फेट के नीचे लिखते हैं, तो NH4 होल थ्राइस PO4 इस तरह से लिखते हैं, NH4 होल थ्री PO4 अमोनियम फॉस्फेट बनता है। अगला हम सूत्र देखेंगे सोडियम सल्फेट की। तो सोडियम एक सरल आयन है Na+, और सल्फेट एक बहुपरमाणुक आयन हो गया, तो सल्फेट पर जो आवेश है वो दो ऋणावेश है इस पर, तो इसके दो ऋणावेश यानी कि दो संयोजकता को हम सोडियम के नीचे लिखेंगे, और सोडियम पर एक संयोजकता है उसे हम सल्फेट के नीचे लिखते हैं, तो Na2SO4 यानी दो सल्फेट के ऊपर जो आवेश था उसे हम Na के नीचे लिखे, और Na के ऊपर एक धन है उसको हम सल्फेट के नीचे लिखते हैं, तो Na2SO4 बनता है। अगला है कैल्शियम सल्फेट। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही आयनों में यानी धन आयन और ऋण आयन में समान संख्या में आवेश उपस्थित हैं, तो इसे हम नहीं भी लिखते हैं तो अपने आप ये कैंसिल हो जाता है। जैसे कि अगर हम कैल्शियम सल्फेट का बनाएंगे तो कैल्शियम पर दो धन आवेश है और सल्फेट पर दो ऋण आवेश है, तो Ca का जो दो है वो सल्फेट के नीचे और सल्फेट का जो दो आवेश है वो Ca के नीचे, तो ये दो और दो कैंसिल हो गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4। इसी तरह यदि हम NaCl को लें तो NaCl में भी Na+Cl-, तो इसका एक इसके नीचे Cl के नीचे और Cl का एक Na के नीचे, तो इसका जो सूत्र होगा सोडियम क्लोराइड का NaCl। अगला हम देखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर जो आवेश है वो है तीन धनावेश, और सल्फेट पर जो आवेश है वो दो ऋण आवेश है। एल्यूमिनियम पर जो तीन आवेश है वो सल्फेट के नीचे लिखा जाएगा, और सल्फेट का जो दो आवेश है वो एल्यूमिनियम के नीचे लिखा जाएगा, तो एल्यूमिनियम के नीचे हम लिखेंगे दो Al2, और सल्फेट पर हम ब्रैकेट लगाएंगे SO4 और होल थ्री लिखेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम पर जो आवेश है वो तीन धन आवेश है, तो सल्फेट पर हम होल थ्री करेंगे, तो इस एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होगा Al2SO4 होल थ्राइस। अब हम एक सारणी देखते हैं। इस सारणी में अलग अलग तरह के यौगिकों का नाम लिखा हुआ है, इन यौगिकों में कौन से धनात्मक मूलक हैं और कौन से ऋणात्मक मूलक हैं, इनमें आवेश कितने हैं और इन यौगिकों का सूत्र क्या होगा, इसे हम एक एक करके समझेंगे। तो इस पूरी सारणी को यदि पूरा करने दिया जाए तो सबसे पहले जैसे यौगिक का नाम लिखा हुआ है, पहले यौगिक का नाम अमोनियम नाइट्रेट, इसके बाद के कॉलम में दिया है कि इस अमोनियम नाइट्रेट में आपको पहचानना है कि कौन सा आयन जो है वह है यहाँ पर धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक, या हम इसे अम्ली मूलक कहें या क्षारी मूलक कहें, तो इसमें कौन कौन से मूलक उपस्थित हैं। फिर हम देखेंगे कि इन मूलकों पर कितने आवेश हैं, कितने धन आवेश हैं, कितने ऋणावेश हैं। अब जब हम धनावेश और ऋणावेश को पहचान जाएंगे तभी हम उस यौगिक के सूत्र को भी लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले वाले कॉलम ने केवल लिखा हुआ है यौगिक का नाम यानी अमोनियम नाइट्रेट। तो जैसा कि हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर लिखना है धनात्मक मूलक NH4+ होगा,
क्योंकि अमोनियम जो है NH4+ इस पे धनावेश होता है, तो NH4+ धनात्मक मूलक हो गया। और चूंकि नाइट्रेट है तो NO3 ऊपर एक माइनस चार्ज होगा, तो नाइट्रेट आयन हो गया NO3-। आवेशों की संख्या को अगर हम देखें तो NH4+ यानी एक धनावेश और NO3- यानी एक ऋणावेश होगा। इसका जो सूत्र होगा NH4NO3, क्योंकि दोनों पर ही एक एक आवेश है, तो इसका सूत्र जो है चाहे हम क्रिस क्रॉस मेथड से भी लिखते हैं, तो इसका आवेश इसके नीचे, इसका आवेश इसके नीचे, तो NH4NO3 इसका सूत्र होगा। दूसरा हम देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, इस यौगिक का नाम है। इसमें जो क्षारी मूलक होगा या जो धनात्मक मूलक होगा वो है सोडियम, और जो ऋणात्मक मूलक है वो है कार्बोनेट। अब हम इसके आवेश के बारे में समझेंगे। तो आवेश जो है वो Na+ होगा, यानी एक धनावेश है, और ऋणात्मक जो मूलक है उस पर यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऋणात्मक मूलक है कार्बोनेट CO3 2-, यानी कि दो ऋण है। जब हम सूत्र लिखेंगे तो कैसे होगा, सोडियम के नीचे कार्बोनेट के आवेश को लिखेंगे और कार्बोनेट के नीचे सोडियम का, तो जो इसका सूत्र प्राप्त होगा Na2CO3। CO3 का जो दो आवेश है वो Na के नीचे लिखा जाएगा और Na का जो आवेश है वो CO3 के नीचे लिखा जाता है। अगला हम देख रहे हैं यौगिक का नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब तक आप पहचान रहे होंगे कि वास्तव में जो धनात्मक मूलक है वे क्या हैं। तो NH4+ यानी अमोनियम मूलक, तो NH4+ यहाँ धनात्मक मूलक हो गया, और हाइड्रोक्साइड यानी OH- एक ऋणात्मक मूलक हो गया। तो यहाँ भी आप देखिए कि NH4+ यानी एक धनावेश, यानी कि आवेशों की संख्या में हम धनावेश की संख्या में लिखेंगे एक, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ भी हम लिखते हैं ऋणात्मक आवेश में एक। तो जब इसका सूत्र लिखा जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो NH4OH, क्योंकि दोनों में एक एक आवेश है। अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम Mg2+ और कार्बोनेट जो है CO3 2-। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो धनात्मक मूलक है वो मैग्नीशियम है और जो ऋणात्मक मूलक है वह कार्बोनेट होता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ और कार्बोनेट के ऊपर 2- चार्ज है, तो दोनों में समान लेकिन विपरीत आवेश है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि दो दो जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका सूत्र होगा। तो हम मैग्नीशियम के नीचे कार्बोनेट का आवेश लिखें और कार्बोनेट के नीचे मैग्नीशियम का आवेश लिखें, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं आयरन फॉस्फेट। आयरन फॉस्फेट यानी आयरन पर जो आवेश है वो Fe2+ है। तो यहाँ पर Fe2+ जो है वो एक धनात्मक मूलक हो गया, और जो फॉस्फेट है PO4 3-, यानी कि फॉस्फेट आयन जो है वह ऋणात्मक मूलक होता है, यानी हम इसके आवेश को -3 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आवेशों की संख्या की गिनती हुई है, तो आयरन पर दो धनावेश यानी धनात्मक जो आवेश होगा वो दो होगा, और जो फॉस्फेट है उस पर तीन ऋणावेश है। तो अब हम इसे सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जब हम आयरन के दो आवेश को फॉस्फेट के नीचे लिखें और फॉस्फेट के तीन आवेश को आयरन के नीचे लिखें, तो इसका जो सूत्र होगा Fe3PO4 2, क्योंकि PO4 का तीन जो ऋण आवेश है यानी तीन जो आवेश है वो आयरन के नीचे, और आयरन का जो दो आवेश है वो फॉस्फेट के नीचे लिखा गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा Fe3PO4 2। अब हम कुछ अन्य जो यौगिक है जिसमें कि बहुपरमाणु आयन शामिल होते हैं उनके आड़ा तिरछा पद्धति से बनने वाले सूत्र को समझेंगे, जिससे हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे इन आयनों से बनने वाले यौगिकों के सूत्र को लिखा जाता है। तो कुछ उदाहरण हम और लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इस पर भी जो दो आयन्स है NH4+ और Cl-, दोनों में एक 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 धन और दो दूसरे Cl में भी एक ऋण है, तो ये दोनों भी एक इसके नीचे और अमोनियम का एक क्लोराइड के नीचे लिखा गया, तो इसका सूत्र होगा NH4Cl। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम पे दो धन होता है और हाइड्रोक्साइड पर एक ऋण होता है, तो कैल्शियम का जो दो
आवेश है वो हाइड्रोक्साइड के नीचे, और हाइड्रोक्साइड का जो एक आवेश है वो कैल्शियम के नीचे लिखा जाएगा। तो इसका सूत्र होगा CaOH होल ट्वाइस। अगला हम लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम में हम देख रहे हैं दो धन आवेश है और सल्फेट पर दो ऋण होता है। चूँकि दोनों में हम देख रहे हैं कि समान आवेश है, तो मैग्नीशियम के दो आवेश को सल्फेट के नीचे और सल्फेट के दो आवेश को मैग्नीशियम के नीचे लिखते हैं। दोनों आवेश बराबर है तो इसलिए हम नहीं भी लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं सूत्र को मैग्नीशियम सल्फेट। क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट लिखे तो यह स्पष्ट होता है कि मैग्नीशियम पर दो धनावेश है और सल्फेट पर दो ऋणावेश होता है। अगला हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम पर एक धनावेश होता है और सल्फेट पर एक, यहाँ पर देख रहे हैं एक सल्फेट है तो उस पर दो ऋणावेश है। तो सल्फेट के दो आवेश को अमोनियम के नीचे लिखेंगे और अमोनियम के एक आवेश को सल्फेट के नीचे लिखते हैं। तो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होगा NH4 होल ट्वाइस SO4। तो चूंकि सल्फेट का जो दो आवेश है वो अमोनियम के नीचे लिखा गया। अगला है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम पर जो आवेश होता है दो धनावेश होता है और फॉस्फेट पर जो आवेश है वह तीन ऋणावेश का है। तो कैल्शियम पर हम देख रहे हैं कि कैल्शियम के दो आवेश को हम फॉस्फेट के नीचे लिख दिए और फॉस्फेट के तीन आवेश को कैल्शियम के नीचे लिख दिए। तो Ca3 और PO4 होल ट्वाइस होगा, क्योंकि फॉस्फेट के तीन आवेश को कैल्शियम के नीचे लिखा गया और कैल्शियम के दो आवेश को फॉस्फेट के नीचे लिखा गया। तो इसलिए इसका सूत्र होगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो सूत्र है Ca3PO4 होल ट्वाइस होता है। तो इस तरह से हमने क्रिस क्रॉस मेथड या आड़ा तिरछा पद्धति के माध्यम से बहु परमाणु आयनों से बनने वाले विभिन्न यौगिकों के सूत्र को बहुत अच्छी तरह अलग अलग उदाहरणों से समझा। आइए अब हम मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। मोल की शुरुआत या मोल शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई और क्यों हुई, इसकी जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है। और मोल शब्द जो है वो कितना उपयोगी है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए या रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है या नहीं है, इन सब बातों को समझने के लिए हमें मोल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब 1799 में ये पता चला कि तत्व जो है वो आपस में क्रिया करते हैं और एक निश्चित अनुपात में ही क्रिया करते हैं। पहले ये माना जाता था कि ये सारे तत्व जो आपस में क्रिया करते हैं ये भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं। फिर इसके बाद गेलुसाक नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, लेकिन गैसों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। गेलुसाक ने ये देखा कि निश्चित ताप और दाब पर जो भी गैस होती हैं वो सदैव आयतन के अनुसार एक सरल अनुपात में ही क्रिया करती हैं, और इसे उन्होंने एक नियम के रूप में दिया जिसे गेलुसाक का नियम कहते हैं। बाद में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत के आधार पर भार की दृष्टि से जब कोई तत्व क्रिया करते हैं तो किस तरह से वो निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, इसकी व्याख्या उन्होंने बहुत विस्तार से दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जैसे विभिन्न जो तत्व है जब आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उनको जब हम काउंट करते हैं या उनके परमाणु अणु आयनों को किस तरीके से वो क्रिया करते हैं, कितनी संख्या में क्रिया करते हैं, किस तरह से उनको नापा जाए, इन सब प्रश्नों के जवाब में एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने बताया कि उनके अनुसार किसी भी गैस के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या जो है वो निश्चित होती है। तो जब गेलुसाक ने अपनी खोज की और खोज के संबंध में वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उन्होंने चर्चा की तो वैज्ञानिकों में बर्जीलियस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसे बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। बर्जीलियस ने ये बताया कि किसी भी गैस के दिए गए आयतन में कणों की संख्या जो है वो समान होती है। तो इसका अर्थ यह है कि यदि मान लीजिए 1 लीटर हाइड्रोजन में कणों की संख्या उतनी ही होगी जितनी की 1 लीटर क्लोरीन में। अब जब 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। तो बर्जीलियस के अनुसार
ये जो दोनों गैस हैं जब आपस में दोनों क्रिया करते हैं तो दोनों का एक एक लीटर पूरी तरह से क्रिया कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही क्रिया में भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन का भी 1 लीटर और क्लोरीन का भी 1 लीटर, और दोनों ही बराबर मात्रा में हैं और दोनों ही पूरी अभिक्रियाओं में साथ साथ भाग ले रहे हैं। पूरी अभिक्रिया के दौरान दोनों के जितने भी आयतन लिए गए वो सारे क्रिया में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि दोनों गैसों के एक एक लीटर जो है वो पूरी तरह से इसलिए क्रिया कर रहे थे क्योंकि इन दोनों में बराबर बराबर जो संख्या है वो परमाणुओं की थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विभिन्न तत्वों के जो सापेक्षिक परमाणु भार की भी गणना की गई, और इस आधार पर जो उनके परमाणु भार है उनके आधार पर अणु भार की भी गणना की गई। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँचते हैं किस तरह से सापेक्षिक परमाणु भार को ज्ञात किया गया और परमाणु भार के आधार पर अणु भार को भी ज्ञात किया गया। अब बाद में फिर गैसों के घनत्व उसके भार की भी गणना संभव हो पाई। तो इस तरह से हमने देखा कि निरंतर अथक प्रयास के द्वारा वैज्ञानिक अलग-अलग पदों तक पहुंच रहे हैं, और वैज्ञानिकों के अलग-अलग पदों तक पहुंचते पहुंचते ही अणु परमाणु आयनों की संख्या को गिनने के लिए किस तरीके से नए पद की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब अलग-अलग गैसों के अणु या जो परमाणु हैं उनको भार के अनुसार लिया गया, उनको एक निश्चित ताप और दाब पर रखा गया। तो जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयास किया अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के अणु परमाणु को भार के अनुसार एक निश्चित मात्रा में लिया गया और निश्चित दाब निश्चित ताप पर उन्हें रखा गया, तो देखा गया यह भी एक निश्चित आयतन था। तो यहाँ पर यह पाया गया कि जब अलग अलग गैसों को लेकर कार्य करते हैं स्थिर ताप और दाब पर तो आयतन का मान भी निश्चित पाया गया। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 वायुमंडली दाब पर जो 2 ग्राम हाइड्रोजन है उसका आयतन 22.4 लीटर पाया गया। इसी तरह से हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं जो वैज्ञानिकों ने देखा था, अलग अलग गैस लेकर के अलग अलग गैसों को लेकर एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर जब रखा गया तो उसका जो आयतन है वो भी निश्चित पाया गया। तो उसका एक अन्य उदाहरण हम देख रहे हैं कि यदि हाइड्रोजन क्लोराइड लिया गया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर यदि 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड लिया गया तो इसका आयतन भी 22.4 लीटर प्राप्त हुआ। अन्य उदाहरण हम देख रहे हैं कि यदि हम 18 ग्राम भाप लेते हैं, चूंकि यहाँ 18 ग्राम भाप जो है ये दर्शाता है कि हम जल वाष्प को ले रहे हैं, तो 18 ग्राम भाप को भी यदि समान ताप और दाब पर लिया गया तो उसका आयतन भी 22.4 लीटर पाया गया। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण हम देख रहे हैं कि किसी भी गैस का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर सापेक्षिक अणु भार ज्ञात किया गया ग्राम में लिया गया और उसका फिर आयतन देखते हैं तो वह 22.4 लीटर प्राप्त हुआ। तो किसी भी गैस को लेकर यदि हम उसका सापेक्षिक अणु भार लेते हैं और उस सापेक्षिक अणु भार को एक निश्चित ताप और दाब में उसके आयतन को देखते हैं तो वह निश्चित रूप से 22.4 लीटर ही प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से यहाँ पर ये बात समझ में आई कि किस तरीके से एक निश्चित अणु भार जब हम किसी यौगिक का लेते हैं और एक निश्चित तापमान निश्चित दाब पर उसको उन परिस्थितियों में रखते हैं सभी गैसों के को, तो सभी गैसों को इन परिस्थितियों में रखने पर जो उनका आयतन है वह 22.4 लीटर ही प्राप्त होता है। इस तरह से विभिन्न गणनाओं के बाद ये पता चला कि 22.4 लीटर आयतन पर एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस के लिए जो कणों की संख्या है वह निश्चित है, 6.022×10³³ होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कणों की संख्या है ये निश्चित है। यहाँ पर इन कणों की संख्या को बर्जीलियस ने स्पष्ट किया, बर्जीलियस के कथन के अनुसार ही इन कणों की संख्या को दिया गया, और इन कणों की संख्याओं को अवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है, यानी हम अवोगाड्रो संख्या को
एन जीरो से भी दर्शा सकते हैं। तो एन जीरो बराबर 6.022 × 10³³ होता है। यह अवोगाड्रो संख्या भी कहलाता है, जिसे एन जीरो से दर्शाते हैं। अब इन सब गणनाओं के बाद यदि हम द्रव और ठोस पदार्थों के लिए इसे सोचें, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुभार एवं ग्राम परमाणु भार में भी कणों की संख्या 6.022 × 10³³ होती है। तो यहाँ पर हम जब किसी ठोस या किसी द्रव के लिए देखते हैं, तो उसके अणुभार या परमाणु भार के रूप में उसे उस पदार्थ को उसके अणुभार या परमाणु भार के रूप में लेते हैं। इसके बाद सन 1896 में वैज्ञानिक विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने अवोगाड्रो संख्या के लिए एक नया शब्द दिया, या हम कह सकते हैं कि एक नया शब्द उन्होंने प्रस्तावित किया, जिसे मोल कहते हैं। यह जो मोल शब्द है, इसका अर्थ होता है ढेर, या इसे हम इंग्लिश में हीप या पाइल भी कहते हैं। 1967 में जो मोल है, इसे इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये जो मोल है, ये परमाणुओं एवं अणुओं की वृहद संख्या को, यानी बहुत बड़ी संख्या को सरल रूप में व्यक्त करने का एक उपाय है। ये कह सकते हैं कि हम किसी भी पदार्थ के लिए परमाणुओं, अणुओं, आयनों, इनकी बहुत बड़ी संख्या को मोल के रूप में सरल ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो अवोगाड्रो संख्या है, जिसे हम एन नॉट या एन ज़ीरो से दर्शा रहे हैं, उसे हम एक मोल भी कह सकते हैं। तो एक मोल बराबर 6.022 × 10³³ होता है, इसे हम अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। मोल जो अवधारणा है, वो ये बताती है कि किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में जो कणों की संख्या है, वो कितनी होती है। जैसे यदि हम एक उदाहरण लें कि 23 ग्राम सोडियम है, तो 23 ग्राम सोडियम में एक मोल सोडियम परमाणु है, यानी हम यदि एक सोडियम परमाणु लिखते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि उसमें जो परमाणु भार है, वह 23 ग्राम है। तो एक मोल सोडियम, यानी हम कितने 23 ग्राम सोडियम की बात कर रहे हैं। तो 23 ग्राम सोडियम बराबर एक मोल सोडियम परमाणु, और यहाँ पर जो कणों की संख्या होगी, वो होगी 6.022 × 10³। तो अब ये कह सकते हैं कि एक मोल सोडियम परमाणु में जो कणों की संख्या होगी, वो 6.022 × 10³ होगी। यहाँ पर यदि हम 46 ग्राम सोडियम की बात करते हैं, तो 46 ग्राम सोडियम का अर्थ होगा कि हम 2 मोल सोडियम परमाणु की बात करते हैं। सोडियम परमाणु के यहाँ पर 2 मोल हैं, यदि हम 46 ग्राम सोडियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कणों की संख्या होगी, चूँकि 2 मोल सोडियम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 2 मोल सोडियम के लिए कणों की संख्या 2 × 6.022 × 10³ होगा। इसे जब हम गुणा करते हैं, तो यह मान प्राप्त होगा 12.044 × 10³। तो ये जो मान है, ये 2 मोल सोडियम के लिए है, यानी हम 46 ग्राम सोडियम की बात कर रहे हैं। यानी 46 ग्राम सोडियम में जो कणों की संख्या होगी, वह 12.044 × 10³ होती है।